हे गाइज, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइज, आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका टाइटल है जब दो सहाबा की कब्र खुली तो उसमें क्या निकला। तो देखते गाइज इस वीडियो पे क्या बताया गया है, और जब उनकी कब्र खुली तो उस पर क्या निकला। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, जब भी किसी इंसान की मौत होती है, यानी अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो फिर उसकी आखिरी रस्में, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका फ्यूनरल, उसका अंतिम संस्कार, उसके इलाके के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से, या फिर मेनली उसके धर्म और मजहब के हिसाब से किया जाता है। किसी को जलाया जाता है तो किसी को दफनाया जाता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ लोगों में अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। खास तौर से हमारी दुनिया के जो तीन इब्राहिमी मजाहिब हैं, यानी कि अब्राहमिक रिलीजन, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों में ही थोड़े बहुत फर्क के साथ मुर्दे को दफनाने का कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जब हम एक इंसान की बॉडी को जमीन में दफन कर देते हैं, तो कुछ घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद उस इंसान की बॉडी खत्म होने लगती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह उसको खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मामला प्रोफेट्स यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीसों की किताबों में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रोफेट के जिस्म को मिट्टी कभी नहीं खाती है। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा वो लोग के जो शहीद होते हैं, या फिर जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी जमीन के नीचे वैसे ही सलामत रहती है कि जैसे मानो वो ऊपर हुआ करते थे। और इस चीज का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुद्दत पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला, कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की कि जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहाँ पर बात उन शाह फैसल की नहीं हो रही है कि जिनका राज सऊदी अरबिया पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था सन 1921 से लेकर 1933 के बीच में। फिलहाल मामला ये था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसल से कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दो करीबी और प्यारे सहाबी कि जिनको किसी दौर में दरियाए दजला यानी कि तिग्रिस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। वजह यही थी कि दरियाए दजला का जो पानी था वो अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था, और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन बॉडीज को किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचाओ। अगले दिन सुबह में जब शाह फैसल की आंख खुली तो हाकिम इराक ने उस इलाके के मुफ्ती आजम से मिलने का फैसला किया, लेकिन मुफ्ती साहब के हद से ज्यादा बिजी होने की वजह से वो मिल ना सका। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में हजरत हुज़ैफा बिन यमान आए और उसको वही हुक्म दिया, लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह इराक कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उसको हजरत हुज़ैफा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के टच होने के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आजम को भी इसी तरह का ख्वाब आया। अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाह इराक से मिलने का फैसला किया। शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया तो शाह फैसल के तो होश उड़ गए, क्योंकि पिछली तीन रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसल को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे ही इलाके में काफी हलचल का माहौल पैदा हो गया, बहसबाजी होने लगी, इसी बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि इस तरह के सरकमस्टेंसेस में, इस तरह की कंडीशन में सहाबा की कब्रों को खोदा जा सकता है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया। दिन रखा गया था 10 जिलहिज्जा का, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थी। लोग दूर दूर से बस इसी चीज को देखने के लिए आए थे।
पहले बात कर लें इस बारे में कि आखिर ये दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु, जबकि दूसरे थे हजरत हुज़ैफा बिन यमान। हाँ दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान कि जिनको राजदार रसूल भी कहा जाता है, यानी कि द सीक्रेट कीपर, क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी वो किसी के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी दूसरी सहाबी की बजाय अपने राज की बातें इनको बताया करते थे। इवन वो मुनाफिक लोग के जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन। उन सारे मुनाफिकों में भी जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे, उनके नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बताए थे, और इनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो खुफिया तौर पर इनकी एक्टिविटीज वगैरह पर नजर रखें। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। इवन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत राशिदा के तौर में उन्होंने कभी भी अपनी जबान नहीं खोली। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए जरूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो ये नाम भले ही ना बताएं लेकिन गाइड जरूर कर दें। मुस्लिम हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका जरूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुस्लिम का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता था कि फलाह के जनाजे में हजरत हुज़ैफा शामिल नहीं हुए हैं, तो वो इनडायरेक्टली अंदाजा लगा लिया करते थे कि मामला जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत राशिदा के दौर में ही कूफा और उसके आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में ही यानी के अल मदाइन नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी कि जो दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आए अपने कब्र वाले इंसिडेंट पर, तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में दो सहाबा की कब्रें खोली जा रही थी। कब्रें जब खोली गईं तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वो क्लीन और बहुत ज्यादा सफेद, जबकि जो बॉडी थी वो भी फ्रेश और अनटच्ड थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था, जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरे वगैरह को देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी इस हालत में कैसे रह सकती है। फिर उसके बाद दोनों ही बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकबरे के पास में। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था यार। रियली ऊपर वाला जो चाहता है वैसा ही होता है, और जो ऊपर वाले के नेक बंदे होते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा बिहेवियर करते हैं, और जैसे कि इस्लाम में चीज़ें बोली है, कुरान में जैसे चीज़ें बोली है, उस चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपके सामने देख सकते हो कि जब सहाबा की जब बॉडी देखा गया तो यार एकदम से ऐसा लग रहा था कि उस जमाने में कि तुरंत ही दफनाया गया है उसे। तो यार ये तो एक मौजज़ा टाइप का है चीज़ें। सो गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, लव यू गाइज़।